द पार्टी फंडिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय मी फ्रॉम हियर ऑन, इसीलिए अगर मैं चाहूं तो एनपीटीवी के फाइनेंशियल इश्यूज ठीक कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें और चैनल को एक काम करना होगा। बताओ बॉबी। स्टीफन के खिलाफ स्मियर कैंपेन, जितनी चाहो घटिया स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली। व्हाट आर यू सेइंग बॉबी? स्टीफन थॉमस जैसे इंसान के खिलाफ बिना कोई वजह इस तरह की कोई स्मियर कैंपेन करना, मतलब? संजीव, पैसों की जरूरत मुझे नहीं, एनपीटीवी को है। यू आर द बेगर, सो यू कांट बी द चूजर। शॉट। इफ यू कांट फाइंड न्यूज, क्रिएट इट। वेल, आई हैव समथिंग विद मी, लेकिन ये परस्यू करने जैसा लीड है वो मैं नहीं जानता। टेक अ लुक। हिंदुओं के लिए मही रावण है, इस्लाम इसे इबलीस कहता है, ईसाइयों में इसका सिर्फ एक ही नाम है, लूसिफर। इंटरेस्टिंग। यस यस, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। यू आर वेरी गुड एट योर जॉब, लाइव रिपोर्टिंग, न्यूज और डिबेट सब मैंने देखा है। सच कहूं तो तुम इतने पॉपुलर हो इस वजह से और कोई बैकग्राउंड चेक किए बिना मैंने एग्री कर लिया। तुम्हारे पास जितने भी सबूत है वो, और IUF के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के एविडेंस, ये होगा हमारे नए चैनल लॉन्च का इम्पोर्टेंट शो, अ बिग एक्सक्लूसिव। तुम्हारे 5 लाख फेसबुक लाइव से भी ज्यादा इफेक्ट मिलेगा जब तुम्हारा इंटरव्यू पब्लिक टीवी पे एयर होगा। बढ़िया होगा। बाय द वे, एनपीटीवी की कंपटीशन में ये जो नया चैनल तुम शुरू करने वाले हो पब्लिक टीवी, इसके इन्वेस्टर्स वगैरह? वेल यू सी, एज द टाइटल सजेस्ट, पब्लिक फंडिंग ही है। ओके ओके, बिल मैं दे दूंगा। गोवर्धन, तुम्हारी इनकम वगैरह कैसी है? 6 डिजिट सैलरी ड्रॉ करने वाला एक टेकी था मैं, अचानक एक दिन आई गॉट अ रेवलेशन। वो भगवान बुद्ध को मिला था ना, उसी तरह नौकरी से रिजाइन करके आई स्टार्टेड डिवोटिंग माई सेल्फ टू माई रियल वर्क। और तुम्हारी फैमिली वगैरह? पिताजी बचपन में ही गुजर गए, माँ कोई 8 साल पहले। ओ दैट, मेरी बीवी और बच्ची है, She left me for her own good, I would say. मेरी लाइफ इतनी सेफ नहीं है, you know. बेटी से तो मिलते होंगे? नहीं, मेरी बेटी से मिलना मेरी बीवी को पसंद नहीं है। Maybe she's right. No, she's right. मैं एक अच्छा रोल मॉडल नहीं हूँ। सच्चाई की खोज एक करियर ऑप्शन नहीं है ना। वाइफ से अलग होने के बाद कुछ दिनों में I had a breakdown. तब कुछ दोस्त जबरदस्ती मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल ले गए। वहां से जब लौट कर आया तो मेरा कोई नहीं था। इट्स रोलिंग, बोलते जाओ। हाँ, यस यस। ये IUF को फाइनेंस करने वाला मैग्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सब जानते हैं। एनपीटीवी के एक्स एम्प्लॉय रिजू को तो पता होगा ही, बट हु इज बैकिंग मैग्ना ग्रुप? इतनी बड़ी फंडिंग करने की ताकत रखता है ये मैग्ना ग्रुप का चांडी? मैग्ना ग्रुप यहाँ का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ना, फाइनेंस, टिम्बर, स्टील, गोल्ड। यस, गोल्ड, दैट्स माय पॉइंट। रिजू, तुमने कुरेशी अब्राहम गैंग के बारे में सुना है? पूरी दुनिया के डायमंड एंड गोल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने वाला है इन फेमस नेक्सस। दे आर बैकिंग मैग्ना ग्रुप एंड हेंस IUF। मोगैम्बो, गब्बर सिंह जैसी कहानी है ना ये सब? नो 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 नो, दे एग्जिस्ट, दुनिया की सभी जगहों में उनकी प्रेजेंस है, लाइक द इल्यूमिनाटी। मिस्टर गोवर्धन, मेरी दिलचस्पी इल्यूमिनाटी या मोगैम्बो के बारे में नहीं है, स्टीफन थॉमस, उनके खिलाफ क्या क्या एविडेंस है तुम्हारे पास वो बताओ। यस, स्टीफन थॉमस, आई नो हु ही इज, लेकिन उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा मतलब क्या? तो फिर क्यों उस दिन फेसबुक पे लाइव आके वो इब्लिस है, लूसिफर है वगैरह का? गोवर्धन, आई रियली डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड मिस्टर रिजू, मिस्टर स्टीफन थॉमस के खिलाफ सबूत नहीं है, मैंने इतना ही कहा। बट बिमल नायर, IUF का वो कप्तान जो पार्टी का मेंबर तक नहीं है, उसके खिलाफ मेरे पास इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है।
ये आज प्राइम टाइम में ब्रेक करेंगे सर, दिस इज सेंसेशनल। इसकी और कोई कॉपीज है तुम्हारे पास? नहीं सर, यही ओरिजिनल है, आपको दिखाकर। हाँ गुड गुड, ओके लीव इट विद मी, मुझे इसे स्टडी करने दो, आई विल रिवर्ट। लेकिन सर हम लोग, मैं बताता हूँ रिजू, यू गो अहेड। ओके सर। बॉबी, वी हैव अ प्रॉब्लम। मैंने अपनी पुरानी टिम्बर फैक्ट्री की साइट पर एक टीम भेजी है, साथ में कुछ चीजें भी। What? कैसी चीजें? Nothing major, कुछ equipments और chemicals. Offload करवा लो. That's it. Fedor को promise की डेट पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है. It's high time we set the ball rolling. वो इतनी जल्दी करने की जरूरत थी? Why? Is there a problem? No. Nothing. Good. There shouldn't be any. इसे हम क्या नाम देंगे? आप ही से कोई नाम दे दीजिए दादा। अपर्णा पार्वती जी का नाम है, तो उसका बेटा विनायक। विनायक ये क्या बदतमीजी है सर? ये एक फंक्शनिंग हॉस्पिटल है, एक एम्बुलेंस तक को अंदर नहीं छोड़ेगा।
MKID मिलेगा क्या? ये मदन लाल को और कोई काम नहीं है। हाँ वर्मा साहब, अभी आधा घंटा और रोक सकते हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। हाँ उसका फैसला मैं कर लूंगा, देखना लड़के कोई बड़े पत्थर उठा के ना मार दे। मीडिया से कौन कौन है वो? मीडिया? अरे अरे अरे, छोटे पत्थर ठीक निशाने पर मारना, अगर किसी पुलिस वाले को लग गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मत बोलना। हाँ सब लोग हैं सर, हमारा चैनल सबसे आगे है। लेकिन तू कहीं नजर नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है मुकेश, इसे बर्बाद किए बिना कैमरे के सामने चक्कर मार के दो चार नारे क्यों नहीं लगा लेते? अरे वर्मा साहब, ऐसी मुफ्त की कोई भी पब्लिसिटी इस मुकेश को नहीं चाहिए। पार्टी के लिए धूप में घूम घूम के सिर के सब बाल उखड़ गए, 80,000 के घोड़े की दुम को सिर पे चढ़ाया है। ये लो अब इसकी क्लिप भी गई, कुंडली में राहु बैठा हुआ। अब मैं भीड़ में गया और कहीं ये सिर से निकल गई तो लोगों को 3 दिन जश्न मनाने का मसाला मिल जाएगा। मैं वो रिस्क नहीं लूंगा सर, मैं यही ठीक हूँ। हाँ जरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, बोलो गुरु। सुनो वर्मा, बदतमीजी पर उतर आओगे तो इसका जवाब देना मुझे या मेरी पार्टी को नहीं आता, ये मत समझना। इस मौत की वजह से अगले चुनाव में स्कोर कर पाओगे ये भी मत सोचना। अरे उसकी मौत की सिंपैथी वेव पाने के लिए 13 मनहूस थोपड़ा काफी नहीं है। जरा होल्ड करना, वेट। क्या है? KR के साथ राजनीति के तौर पर विचारधारा अलग थी, फिर भी वो स्टेट की राजनीति का एक भीष्माचार्य है, इसमें किसी को भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा RPM की श्रद्धांजलि का प्रेस रिलीज आपको जल्दी मिल जाएगा। सर PKR की मौत की वजह से आप क्या समझते हैं अगले चुनाव में आपकी पार्टी? कम से कम मौत को तो इज्जत देना सीखो, प्लीज हटो हटो, हट जाओ हट जाओ। हाँ वर्मा, मेरे हॉस्पिटल में टूटने वाले हर एक कांच का, अंदर गिरने वाले एक एक पत्थर का तुझे जवाब देना पड़ेगा। ये पत्थरबाजी जारी रखोगे तो जानते हो ना 5 गुना लौटाने की ताकत रखती है मेरी पार्टी। सिर्फ एक फोन कॉल काफी है, मेरे लड़के पहुंच जाएंगे वहाँ। इतना भी मत डराओ कॉमरेड, अगर मैं बहुत ज्यादा डर गया तो तुम्हारा वो पुराना 60 करोड़ का गोवा वाला बम है ना, वो मेरे हाथों फट जाएगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बेटी का सपना है वो हॉस्पिटल, उसे टूटने मत देना। खैर तुम्हें जो करना है तुम करो। सामान समेत वहां से हट जाओ। ओके ठीक है। ए गाड़ी कैसी ऑन करो और शुभम उद्गल का कोई गाना लगाओ, थोड़ी देर सोना है। अच्छा भाई, सबकी हड्डियां टूटेंगी। जाके रामदास को देखना होगा। कहते हैं गुजरे हुए लोग
दाह संस्कार तक जीवित रहते हैं। जिन्हें मिलना है उन्हें मिलने के बाद ही विदा करना चाहिए। गो माई सन, गो। आया नहीं? अरे आ जाना, कम ऑन कम ऑन। नमस्कार कहूं तो संघी बनाएंगे, अस्सलाम वालेकुम कहूं तो जिहादी बनाएंगे, लाल सलाम कहूं तो कौमी बनाएंगे। इसलिए वो सब रहने दो, तुम सब जान गए होगे। इंडियन यूनियन फ्रंट IUF पार्टी के पिता की मौत हो गई, माननीय मुख्यमंत्री श्री पी के रामदास PKR की। लेकिन गरीबों का मसीहा घुसखोरों का दुश्मन कहकर स्वर्गीय बुढ़ाओं की तारीफ करने से पहले एक बात जान लो, तुम्हें पता नहीं कि इंडियन राजनीति का बोझ ढोने वाला एक आर्थिक अंडरवर्ल्ड है। उस अंडरवर्ल्ड के हाथों की ये कठपुतली था आखिरी सालों में तुम्हारा ये PKR। इस राज्य के खजाने से दुगना इस IUF पार्टी के खजाने में है, कहूं तो तुम में से कितने लोग मानोगे? हां, जन जागृत यात्रा, जन मैत्री यात्रा, नव भावना यात्रा, जन जागरण रथ यात्रा, कौमी मैत्री यात्रा, ऐसी बकवासों के लिए खर्च करते हैं दो दो पद्मावत के बजट से भी बढ़कर। पता है तुमको, पुलिस है, कानून है, बोलने से क्या। फिल्म वाले और सर्कस वाले जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को पकड़ने और बंद करने में बहुत मजा आता है यहाँ की पुलिस और मीडिया को। राजनीति की आड़ में देश को बर्बाद करने वालों को पकड़ने यहाँ ना कोई पुलिस, ना कोई कानून और ना ही कोई। लाइव में नहीं आया बल्कि एक चेतावनी देने के लिए, इस राज्य की मासूम जनता को गोवर्धन की एक चेतावनी। PKR नाम का पेड़ गिर गया, बदले में कौन, यही सवाल है। वहां है पांच लोग, इन पांचों को तुम्हारे सामने पेश करने मैं लाइव आया हूं। पहला, PKR की बड़ी बेटी जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन PKR की मौत की वजह से हुए नए माहौल में यह एक अहम भूमिका निभा सकती है। प्रिय दर्शनी रामदास, कॉल कर रही हूँ, लग नहीं रहा, पता है कहाँ है? सुबह कॉल किया था, वो मुंबई में था बेटी, उसने कहा कि क्रियाक्रम शुरू होने से पहले पहुंच जाएगा। मैडम, पब्लिक को अंदर छोड़ने वाले, आप प्लीज अपने सीट पे बैठ जाइए। मीडिया को अंदर आने से मना किया है ना? जी, इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब दूसरा शख्स, प्रियदर्शनी का दूसरा पति रामदास का बिगड़ा हुआ दामाद बॉबी यानी NRI बिमल नायर। आज से 7 साल पहले कुछ शकी माहौल में प्रियदर्शनी का पहला पति और IT कंपनी का मालिक जयदेव की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके 1 साल होने से पहले ही जानवी नाम की 10 साल की बेटी की माँ प्रियदर्शनी दूसरी शादी करती है। उसका दूसरा पति यानी बॉबी के आने के बाद ही तब तक एक साफ सुथरी इमेज रखने वाले रामदास जी की छवि की धज्जियां उड़ जाती है। रियल एस्टेट गोलमाल, फेक फाइनेंस कंपनियां, हवाला, इस तरह की बहुत सारी हेराफेरी में शामिल है बॉबी उर्फ बिमल नायर। PKR प्रियदर्शनी और आम जनता नहीं जानती ऐसी एक सच्चाई भी है, रियल एस्टेट और ब्लैक मनी के अलावा इस पूरे राज्य को बर्बाद करने लायक एक दुष्ट शक्ति है बॉबी उर्फ बिमल नायर।
केरल में हालचाल कैसा है? मेडिकल रिपोर्ट अभी आई नहीं, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इस तरह का ड्रास्टिक कदम उठाने की जरूरत थी? हमारी ट्रेड लाइंस तो स्मूथ चल रही है। नो, मैं और देरी नहीं कर सकता था अब्दुल। कुछ एक महीना पहले पीकेआर ने मुझे बुलाया था। रियल एस्टेट घोटाले, हवाला, इलीगल एक्सपोर्ट्स, ये सब अनदेखा कर दूंगा प्रिया की खातिर, लेकिन ड्रग्स वो मुझे मंजूर नहीं। मेरी बेटी का पति होने का फायदा उठा सकते हो ये मत समझना, अगर समझ लिया तो मैं रिश्ता भूल जाऊंगा। अंदर चल के बात करते। So tell me, IUF को हम क्यों फंड करेंगे? मैग्ना ग्रुप की फंडिंग अभी भी चल रही है ना? पार्टी को मुश्किल से चला सके सिर्फ उतना ही पैसा है मैग्ना ग्रुप का चंडी देता है। पीकेआर के जाने के बाद IUF में इस वक्त कोई लीडर नहीं है। जो चंडी दे रहा है उससे लग से 3 गुना हम देंगे तो पार्टी हमारे हाथ में आ जाएगी। Let's cut the bullshit, Bobby. केरल की एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने से फेडोर को या मुझे, और फॉर दैट मैटर तुम्हें क्या फायदा है? पंजाब, MP, नॉर्थ ईस्ट, गोवा, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे टूट रहा है। एंड दैट अब्दुल इज कटिंग द बुलशिट। इन हालात में फेडोर को जो मैं ऑफर कर रहा हूँ वो एक सेफ हेवन है, स्टेट गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट के साथ एक वर्किंग स्पेस। ओके, मान लो फेडोर इसमें इंटरेस्टेड है भी, तो हमारा प्रपोजल क्या होगा? तुम्हारे फंड की मदद से IUF आने वाला चुनाव जीत जाए, which we will, thanks to the dead PKR. Z category drugs, കേരളത്തിലെ കൺചെക്ടായി ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, that's my offer. And I mean, Flaka, H7921, Woonga, Crystal Meth, and even Crocodile. Okay, इसके अलावा? पुलिस में और विजिलेंस में, और तुम्हें तकलीफ देने वाले क्राइम ब्रांच के साथ साथ हर एक डिपार्टमेंट के टॉप ब्रास में हमारे चुने लोग। That's good, पर इतना काफी नहीं है। फेडोर को कन्विंस करने के लिए 2 important clauses भी इसमें ऐड करने होंगे। 1, केरल में एक प्रोडक्शन प्लांट विद फुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। फंड इनफ्लो इनिशिएट करने के लिए यह प्रोडक्शन प्लांट पूरी तरह ऑपरेशनल करके तुम मुझे इसका प्रूफ दोगे। एंड व्हाट्स द सेकंड? ये मत समझना कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस एक पर्सनल कर्जा है समझ लो। कोई 8 साल पहले PKR के एंटी डिफोरेस्टेशन ड्राइव के दौरान निडमपल्ली रेंज में जो मेरी पुरानी टिम्बर फैक्ट्री थी उसे बंद कर दिया गया, उसे रीओपन करना चाहता हूं। हमारा प्रोडक्शन प्लांट उसी फैसिलिटी में शुरू करेंगे। PKR की गैर मौजूदगी में IUF का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर कौन है ये सब जानते हैं। उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद मेरी फैक्ट्री को रीओपन करके हमारा प्रोडक्शन प्लांट शुरू करने में अगर तुम कामयाब हुए तो कंसिडर आवर डील इज डन। उसका पार्टी में जो होल्ड है वो मैग्ना ग्रुप के चंडी की दोस्ती की वजह से है, और जिस दिन IUF को मैग्ना ग्रुप की जरूरत खत्म हो जाएगी उसी दिन उसका पार्टी में इन्फ्लुएंस खत्म। वी आर ऑन अब्दुल। सलाम भाई। सलाम अब्दुल। इतना बड़ा नेक्सस और ऐसी जगह से, How does it work, man? इससे ज्यादा सेफ जगह और कहीं नहीं मिलेगी। हार्ट ऑफ द सिटी, वन वे इन वन वे आउट। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो वी हैव ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऑफ सिविलियन बफर। दूसरी तरफ जो फिशिंग हार्बर है, इट्स प्रोटेक्टेड बाय आर्मेन 24/7। सिर्फ इतना ही नहीं, द वे दिस प्लेस इज बिल्ट, स्पाई सैटेलाइट भी इसकी ज्योग्राफी पकड़ नहीं पाएगा। तुम जैसे आउटसाइडर को यहाँ इतनी आसानी से एक्सेस मिली है, वेल कंसिडर इट एज अ प्रिविलेज बॉबी। सलाम अब्दुल भाई। सलाम। मैंने किया। बॉबी, हम दोनों के ताल्लुकात की वजह से मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर अबाउट दिस? क्योंकि फेडोर से हाथ मिलाया, देन देयर इज नो टर्निंग बैक। आई नो। पैंतीस साल वाले का दिल और 40 साल वाले का शरीर है मेरा। मेरा नहीं, ऐसा बोल के गए स्वर्गीय तुम सबके प्रिय नेता। ऐसे में PKR की अकाल मृत्यु, आई रिपीट अकाल मृत्यु, उसके पीछे का राज क्या है?
तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं हम, तुम्हारी बात पर विश्वास तू विश्वास मत कर रहा, तेरे जैसों को विश्वास करने के लिए खोलकर रखा है ना 24 घंटे प्रसारित न्यूज चैनल्स, वो जो परोसते तू वही निकल ले। मीडिया डेमोक्रेसीज फेवरेट। So guys, this is a once in a lifetime chance for all of us. May I come in, ma'am? 9 o'clock की मीटिंग के लिए 9:30 बजे नहीं आते हैं. Take your seat. Sorry, ma'am. See, spotless reporting is what I want. ये केरला के political reporting की most important junctures में से एक है. श्वेता, political parties के bites, ruling and opposition is your responsibility. Yes, ma'am. रिजु, crowd के angles, उनका दर्द और रोना धोना, that's your thing. Madam, film stars भी आएंगे ना, तो उनके interviews? उनको हम last priority देंगे. बेकार में show off करते रहेंगे वो लोग. Yeah? ये अपोजिशन लीडर्स के कमेंट्स हम अपने चैनल पर क्यों एयर करेंगे और फिर साधारण लोगों का रोना धोना वाइड शॉट में रखकर फिल्म स्टार्स के बाइट्स पर फोकस करेंगे तो स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर्स खुश हो जाएंगे। 10:30 को है ना मीडिया एंट्री? यू गाइस कैरी ऑन। संजीव, एडिटोरियल मैटर्स आर नन ऑफ योर बिजनेस। मैडम, गोल्ड मेडल विनर इन जर्नलिज्म JNU, तुम्हारे सामने बैठे बंदों की 2 महीनों की पगार पेंडिंग है, उसकी जिम्मेदारी चीफ एडिटर की नहीं CEO होने के नाते मेरी है। ये एक IUF फंडेड चैनल है तो इस पार्टी में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई ट्रेजेडी भी हो जाए तो उसको ग्लैमरस करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस सिंपैथी वेव को कैश करके अगले इलेक्शन में IUF नहीं जीती तो यू मी एंड NPTV आर फिनिश्ड। सर, MIMSR का प्रेस रिलीज। हाँ जी। संजीव, बॉबी, डेथ रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। इलनेस इज ड्यू टू ओल्ड एज। ऑब्वियसली नो ऑटोप्सी ऑर्डर। सो लाइक आई सेड, एवरीथिंग, द एंटायर सिस्टम इज इन आवर कंट्रोल, व्हाटएवर हाउ मच। सी, आई हैव टू पे ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई हैव टू कीप इवन मोर ऑन आवर पेरोल्स। Ministers, police officers, excise department. How much? 250 crores every month. 4 months payment in advance. What? Bobby? All payments in cash. In denominations not bigger than 200. Done. The money will reach you. But if you with me, get a feel of that to your head, because that is where I'm going to put it. और एक रिमोट चांस उसका है जो पब्लिक की नजर से दूर अमेरिका में रहने वाला PKR का लाडला दूसरा बेटा, अंग्रेजी बाबू जतिन रामदास का। But like I said, वो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एक्टिंग CM महेश वर्मा की है। महेश वर्मा IUF का सबसे मजबूत पुल, आपस में लड़ने वाले पार्टी वालों के बीच का पुल, परेशान करने वाले गठबंधन पार्टियों का पुल, विरोधी गठबंधन RPI और IUF के बीच समझौते का पुल, ऐसे पुल के ऊपर पुल। बेटी, पिता को आग तो जतिन को ही देना है ना, तो क्या तुमने उसे कांटेक्ट कर लिया? उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है, किसी कैंपेन ट्रिप पर गया है ऐसा वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ है। आग मैं दूंगी। मगर बेटियां ठीक है, जैसा तुम चाहो। वर्मा अंकल, यहाँ पिताजी को देखने कोई आए या ना आए, लेकिन वो नहीं आएगा। अब जो कहने जा रहा हूँ वो इन पांचों में से सबसे खतरनाक है। अपना फंड फैलाकर स्टेट की रक्षा करने या फिर एक दंश से मिटाने की ताकत रखने वाला किंग कोबरा, पिछले 6-7 सालों से इसका नाम उभर कर बाहर आया और जनता के दिल में अपनी जगह बनाई। आमतौर पर पार्टी के सदस्यों से कोई खास लगाव ना रखने वाला PKR सिर्फ इसे हर पार्टी मीटिंग और सम्मेलन में ले जाकर एक क्राउन प्रिंस की तरह पेश किया है। किस लिए?
पिछले 35 साल से पीकेआर जिस नेडुम्बली चुनाव क्षेत्र से लड़कर जीता करते थे, पिछली इलेक्शन में इसके लिए खाली कर दिया। किस लिए? ये कौन है, कहां से है, कोई नहीं जानता। पहले इराक और अफगानिस्तान में पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का काम कॉन्ट्रैक्ट लेकर चलाता था, ये मेरे डार्क वेब रिसर्च के जरिए पता चला। फिर दुबई टू रत्नागिरी छोटी मोटी गोल्ड स्मगलिंग, ऐसे डूबियस रिकॉर्ड वाले आदमी को पीकेआर क्यों प्रमोट कर रहे थे, किस लिए? व्हाई? सो कौन है ये स्टीफन थॉमस, द मोस्ट सेलिब्रेटेड अपस्टार्ट ऑफ अ कंटेम्पररी पॉलिटिक्स? हिंदुओं के लिए मही रावण है, इस्लाम इसे इबलीस कहता है, ईसाइयों में इसका सिर्फ एक ही नाम है, लूसिफर। स्टीफन, तुम्हें जाके रामदास को देखना होगा। कहते हैं गुजरे हुए लोग दाह संस्कार तक जीवित रहते हैं, जिन्हें मिलना है उन्हें मिलने के बाद ही विदा करना चाहिए। गो माय सन। रोजी बेटिया, तुम यहाँ कैसे? रवि, बारिश आने से पहले रोजी को लेकर फौरन आश्रय पहुँच जाओ। अंकल तुम भी आओ ना। रात को कहानी सुनाने के वक्त से पहले मैं पहुँच जाऊँगा, फिलहाल तुम दोनों जाओ। जा रहे हैं ना? सिर्फ एक गाड़ी काफी है, उतने ही लोग जो एक गाड़ी में जा सके। जा सकता है कि देश भर के सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आ चुके हैं। गरीबों का मसीहा, साफ सुथरी राजनीति का रखवाला, पीकेआर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग सुनामी की तरह राजधानी में पहुंच रहे हैं। आज तक किसी ने ना देखी हो ऐसी एक बहुत बड़ी विदाई जनता आईयूएफ के इस महान नेता को देने वाली है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कट, ओके ना? सर जी, आप कहें तो स्टीफन को ही नहीं, मैं ईसा मसीह को भी रोक सकता हूँ। अगर उस मैडम जी की बातों में आकर हम इस झमेले में पड़ेंगे तो इतने लोगों के सामने शायद हमारी नाक कट जाएगी, उसकी जरूरत है? अरे तू ऐसा बोलेगा तो? एक तरकीब है जी। क्या तरकीब? प्राइम मिनिस्टर द चौपर अभी लैंड हुआ है, उनको यहाँ पहुँचने में एक घंटा लग जाएगा। इसी बहाने मेन रोड ब्लॉक कर सकते हैं, फिर किसी भी रास्ते से स्टीफन यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। बोलिए। अच्छा, ऐसे ही कर लो। ठीक है जी, ऐसा ही करता हूँ। मुफ्त में आइडिया देने नहीं चाहिए। ओए, मूव मूव। लाश को देखने के लिए भी इतनी भीड़, चालक को कोई कम ही नहीं है। ओके ओके सर, स्टीफन की गाड़ी अप्रोच रोड तक पहुंच गई है। सॉरी सर जी, गड्डी आगे नहीं जा सकती, पीएम का कॉन्वॉय आ रहा है, प्रोटोकॉल। दादा अब क्या करें? सिर्फ गाड़ी नहीं जा सकती ना, पैदल तो जा सकता हूँ। मिस्टर स्टीफन, thank you.
ऐसा शोर? प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए? वो पहुंचते तो बेहतर होता। स्टीफन, कोशिश की बेटी, लेकिन रोक नहीं पाया। तुम चर्च में जाके अच्छे से प्रे करो स्टीफन। एमरजेंसी मीटिंग बुलवाई है। फिलहाल सीएम मैं बन जाऊं, यही सभी का अभिप्राय है। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। चिता में रखने दीजिए वर्मा जी, जलने तो दीजिए, फिर देखेंगे। तो पी ली, पता ना कहां चल जाता। तू अब तो घर ना गई लो? बाद में जाऊंगी। पी लो दूध, बच्चा के दूध पिला के ही सोई थी। जी खा बेटी, बाद में गोली समय पे खा ली है। अच्छा से पढ़ा बेटी, ई बेर बढ़िया नंबर आवे की चाहिए। हाँ, पढ़ा बेटी, नींद लागी तो हमरा के बताई। हा? हाँ। टीचर मैडम, बच्चा लोग के अच्छे से पढ़ाई, ठीक बा? ए, सोना मत, अब की बार फेल हो गई तो बस। अभी तक तू लोग सोई नहीं? नींद नहीं आवे तो ये कल लिखकर बताना। अच्छा दीदी। ला बेटी पी ला। मौसी, तोरा के और कुछ चाहिए का बेटी? दो दिन में बच्चा पैदा हो जाए, जरूर हो जाए। हम देवी माँ से प्रार्थना करब तो की डर लागी का? नहीं। रोजी और रवि कहाँ बा? कहानी सुनने के लिए गए हैं। ओ तो कहानी शुरू हो गई। स्टीफन अंकल, आज की कहानी सुनाओ। एक ईश्वर की कहानी सुनाओ। कौन कौन है वहाँ? सब लोग है आलोक भाई। और मुकेश और बाकी के लोग? पास में ही है। तो वहां से जरा हटकर बात करना गधे। अरे भाई, पास मतलब बहुत पास भी नहीं है। किसी जमाने में कहीं पर एक ईश्वर रहा करते थे। उस ईश्वर के बच्चे थे, बड़ी सेना थी,
गुण गाने वाला परियों का समूह भी था। क्यों बैठी हो? वो सब पहुंच गए? बॉबी कहाँ थे तुम? मैंने मैसेज भेजा था ना। The whole world was watching, बॉबी। मेरे पिताजी की मौत पर मेरा हस्बैंड भी वहाँ पर नहीं है, मतलब फ्यूनरल के पहले पहुंच जाऊंगा कहा था ना। Where were you? I had a very important meeting. मैंने बताया था ना। What meeting, बॉबी? मैंने तो तुम। Calm down, calm down. तुम अभी जाके उन useless ministers से मिलो। जानवी कहाँ है? उसने मुझे एक बुक लाने को कहा था। उसी को ढूंढने के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा। Otherwise, I would have taken an early flight. Really? वो मुझसे कहाँ बात करती है? रूम में होगी। Happy that she is talking to you at least. तुम वहाँ जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं वहां क्या करूंगी बॉबी? प्रिया प्लीज। ईश्वर का राज्य बहुत बड़ा होने की वजह से बहुत सारे शैतान मसीहा का नकाब पहने उस ईश्वर के राजमहल में घुस गए। सुजी पॉकेट मनी में इसमें से डिश आउट नहीं कर सकती हैं। हर महीने मुझे यहाँ की मैडम को हिसाब देना पड़ता है। यूट्यूब चैनल तो शुरू कर दिया, बट हाउ डू यू मेक मनी आउट ऑफ इट बेब? ओ शिट। तुम्हारी बुक मिल गई। हाय बॉबी, मैंने ऑलरेडी अमेज़न से ऑर्डर कर लिया। यू शुडंट हैव बॉदर्ड। खोल के तो देखो, मे बी यू लाइक व्हाट यू सी। द फेमस मलाना क्रीम। ये लोकल वीड की तरह नहीं है, पोटेंट हैश है। संभाल कर यूज करना। एंड डोंट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके? Thanks, Bobby. That's it? क्या मुझे एक हाथ भी नहीं मिलेगा? Good night, Bobby. Sweet dreams. ईश्वर के मंत्रीगण सब के सब बहुत ही लालची थे। ईश्वर को सभी लोग बहुत पूछते थे, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। सॉरी सॉरी एवरीवन फॉर मेकिंग यू ऑल वेट। वर्मा जी। हाँ। हाँ तो वर्मा जी हैं हमारे एक्टिंग चीफ मिनिस्टर। हाँ। और कौन कौन है लिस्ट में? बॉबी, हमारे फंडिंग का क्या हुआ? पक्का तो है ना? आई आस्क यू अ क्वेश्चन, और कौन कौन है नई लिस्ट में? पी एस पीताम्बर फाइनेंस, सदानंद गृह विभाग, विजय कुमार मेनन ट्रांसपोर्ट, और फिलहाल हम ये कैबिनेट बर्खास्त करेंगे और गवर्नर से मिलके चुनाव प्रीपोन करने की रिक्वेस्ट करेंगे। मगर एक साल और बाकी है ना बॉबी, तो इस तरह अचानक? नो, इस सिंपथी वेव को कैश करना है वर्मा साहब। अगर अगले 5 साल मुट्ठी में करने हैं तो यही एक रास्ता है।
तभी फंडिंग मिलेगी। कौन है ये नया फंडर? आंख आई है सर, गुठली मैं गिनूंगा। एक बात कहूं मिस्टर विमल नायर, आप पार्टी के एमएलए नहीं है, पार्टी के प्राइमरी मेंबर तक नहीं है। अभी तक आपकी बात हमने इसलिए सुनी क्योंकि आप पीकेआर के दामाद हैं। जनता के सपोर्ट के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चलता आया हूं मैं आज तक। पीकेआर जिंदा होते तो ये बात आपको समझा देते। अफसोस की बात है कि वर्मा जी आप भी इनका साथ दे रहे हैं। ये फैसला तो खैर अच्छा ही है, लेकिन जनता का सपोर्ट चाहिए तो ये सफेद खद्दर पहन के, जेब में हीरो पेन लगा के, एक फुट लंबा काला पाउच लेकर घूमना ही काफी नहीं है। जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़ा होना होगा, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना ही होगा। ना मैं कोई एमएलए हूँ ना ही पार्टी मेंबर, लेकिन पीतांबर, पिछले चुनाव के वक्त तुम्हारे प्रचार के लिए पीकेआर के कहने पर 10 करोड़ दिए गए थे प्रियदर्शनी इंफ्रा रियलिटी कंपनी से, जो मेरी कंपनी है। अब कोई सबूत है? जरूर है, लेकिन दीवार पे। जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं वो यहां बैठ सकते हैं, जो नहीं है वो जा सकते हैं। कैसा बैठा? गैर जरूरी लोग एक एक कर जाने लगे, अब साफ सफाई का टाइम है, बढ़िया सफाई होगी। पीतांबर अभी अभी मीटिंग छोड़ के चला गया, लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसे में एक दिन ईश्वर गुजर गए। इतने दिनों से मसीहा का किरदार निभाने वाले शैतानों के हाथ में आ गई सत्ता। अब जल्द ही जो चुनाव आने वाला है उसमें आईयूएफ मुकाबला करेगा, बिना किसी सहयोगी दल के, अकेला ही। मुख्यमंत्री के रूप में जिसे घोषित करने जा रहा हूं वो इंसान कोई फेक सियासती नेता नहीं है, पीके रामदास नाम के महारथी का अपना खून है। घबराइए मत प्रिया, नहीं हम दोनों ही सत्ता हासिल करने की चाहत नहीं रखते। आईयूएफ को अगले चुनाव में लीड करने जो जा रहा है इस राज्य ने, जिसे नहीं देखा लेकिन हमेशा जिसके बारे में जानना चाहा, वो पीके रामदास का इकलौता बेटा है, जतिन रामदास। ये क्या बात है? यहां बैठे हर एक शख्स को उनके लायक ओहदा और अब जितना मिल रहा है उससे 3 गुना पैसा। आई मीन फंडिंग ऑफ कोर्स। वर्मा सर, आप एक लिस्ट बनाइए। इस तरह वो राज्य ईश्वर को मार के ईश्वर का अपना राज्य कहलाने लगा। बॉबी, स्टीफन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस आश्रय के जरिए उसने जनता के दिलों में जगह बनाई है। वो कोई छोटी मोटी जनसेवा नहीं है, लावारिस बच्चों का आश्रय है वो, बिन बाप के बच्चे पैदा करने वाली औरतों का आश्रय, डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ, बच्चों की देखभाल। कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, अव्वल नंबर का चोर है। राजनीति के कार्यकर्ता और नेता के बीच क्या फर्क है पता है? बताओ। इन मसाला फिल्मों में जैसे हीरो का इंट्रोडक्शन करते हैं ना, किसी छोटे एक्टर से पहले डायलॉग बुलवाते हैं। गरीबों का खून चूसने वालों का अंत करने और मासूम लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए लो आ गया दबंग। तब दरिये से बाहर निकल कर आता अपना हीरो, सुपरस्टार। वो है सियासती नेता और छोटा एक्टर कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता को हटा के दूसरे को ला सकते हैं, फिर पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन जो दरिये से निकल कर आता है वो नेता है। उसे हटाने के लिए बल बल नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए। सर, योर पेडिक्योर इज डन। थैंक्स स्वीटहार्ट। यू वेलकम सर। वर्मा सर, आप मसाला फिल्में कुछ ज्यादा ही देखते हैं ना? और नहीं तो क्या, मैं सिर्फ मसाला फिल्में ही देखता हूँ। अच्छे अच्छे आइडिया मिल जाते हैं कि कहाँ ताली मिलेगी और कहाँ गाली मिलेगी। आप मुद्दे पर आइए, बात को समझने की कोशिश करो बॉबी। एक बार स्टीफन को बुलाते हैं, उससे सारी बात बोलेंगे और समझाएंगे बॉबी। अगर उसने समझकर हमारा साथ दे दिया
जैसा हम कहते हैं वैसा कर दिया, तो उस जैसे एक मास लीडर से हमारा ही फायदा होगा ना। आपकी मर्जी, लेकिन जो मुझे बोलना है खुलकर बोलूंगा। बोल दो, लेकिन थोड़ा ढंग से बोलना। टूट गई है, पुरानी है ना। सिर्फ आदर्श का भाषण झाड़ने से फंडिंग नहीं मिलेगी, इस ऑफिस में नए कुर्सी और टेबल खरीदने के लिए भी दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी। एक जनसेवक के कमरे की कभी न टूटने वाली कुर्सी उसकी खुद की कुर्सी होनी चाहिए, क्योंकि वो इस कमरे में बैठने के लिए नहीं आया है, इस अहमियत की जानकारी उसे रहेगी। सर स्टीफन, जानते हो ना, पीकेआर का दर्दनाक देहांत पार्टी के लिए एक नुकसानदायक हादसा है। इन हालात से पार होना है तो हम सबको बुनियादी तौर पे बदलना होगा। तुम तो जानते ही हो, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में फैलने वाली सांप्रदायिकता की आग अब लगता है जल्द ही केरल को भी अपनी लपटों में समा ले जाएगी। इसे रोकना है तो हमें पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की। फंड्स की बात है ना, फंड्स तो है। मैग्ना ग्रुप के पार्टी फंड की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रामदास जी ने मुझ पर सौंपी थी। मैं जानता हूँ फंड्स काफी है। अरे वो नहीं, मैग्ना ग्रुप जैसी मामूली कंपनी के सामने हाथ फैलाना होगा। IUF जैसी 150 साल पुरानी नेशनल पार्टी की केरला यूनिट को, भगवा सेना को फंडिंग देने वाले बड़े बड़े लोग हैं, और भगवा को उखाड़ने के लिए हम लाल की मदद लेंगे तो मेरी मानो ये स्टेट हमें माफ नहीं करेगा। आज की परिस्थिति में मैग्ना ग्रुप जितना देता है वो लेकर सिर्फ पार्टी का कामकाज चलाना काफी नहीं है, खतरनाक सियासती जंगे लड़ने के लिए हमें बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। चुनाव भी किसी जंग से कम नहीं है। मतलब किस्मत का हो या कुछ और, मैग्ना ग्रुप के बदले में बॉबी ने एक नए फंडर का इंतजाम किया है। थोड़ा 19-20 करके कुछ बातों को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम याद करेंगे, लक्ष्य मार्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन है ये नए फंड देने वाले? फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है वो लोग। कहां पर बेच रहे हो? गोवा, मुंबई। प्रिया जानती है इसके बारे में? मेरा जानना काफी है, प्रिया जान जाएगी। गोवा, मुंबई, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स है ना? देखो स्टीफन, यस ड्रग्स ही है। बॉबी, सारी बातें खुलकर कहने के लिए ये मीटिंग है, छुपाने की क्या जरूरत? स्टीफन, रुकावट मत बनो यार, हम सब साथ में रहेंगे तो तुम जो चाहोगे बॉबी दे देंगे। मैं जो चाहता हूँ वो देने वाला ये कौन होता है वर्मा साहब? मैं इस पार्टी में सिर्फ एक आदमी के कहने पर शामिल हुआ हूँ, रामदास जी के, और आगे भी किसी की बात सुनूंगा तो सिर्फ रामदास जी की बात सुनूंगा। स्टीफन, तुम्हारे सर गए, उनकी बात गई, अब मैं हूँ और मेरी बात है। कौन देता है ये नहीं, कितना देता है यही मायने रखता है हमारी IUF पार्टी के लिए। वर्मा जी, IUF नारकोटिक्स फंडिंग एक्सेप्ट करेगा
तो उसका अंजाम ये होगा कि यहाँ की नई पीढ़ी की नसों में ऐसा नशा बहेगा जो हमने आज तक सुना भी नहीं होगा। आज हर कैंपस में स्पोर्ट्स एकेडमी में फिल्म के सेट्स पर खुफिया तौर पर जो चलता है वो कल खुलेआम चलने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रग कार्टल्स यहाँ जो करोड़ों अरबों कमाते हैं वो ड्रग मनी सीधे जाकर पहुंचती है अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप की जेबों में। जो मेरे करीबी हैं मैंने उनसे पहले ही कहा है, नारकोटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस। दुबई के देरा, करामा और रोला के भंगार के दुकानों से लेकर तुम जो बेकार सोने की स्मगलिंग करते थे वो सारी पुरानी कहानी मैं जानता हूं स्टीफन। साथ नहीं दे सकते तो ना सही, लेकिन मेरा मुकाबला करने का इरादा है तो स्टीफन तुम्हें बचाने के लिए आज पी के रामदास नहीं है। आखिर तुझे कौन बचाएगा? वर्मा साहब, अच्छाई और बुराई के बीच की जंग को ही सियासत कहते हैं। यही झूठ हम बरसों से लोगों को बेचते चले आ रहे हैं। जंग अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है, बुराई और बुराई के बीच है, बड़ी बुराई और छोटी बुराई के बीच है। ये बड़ी बुराई है। ये काम स्टीफन नहीं करेगा, ना ही ये करेगा। आईयूएफ को फंडिंग करने वाला मैग्ना ग्रुप का चंडी नहीं होगा। फर्ज पूरा कर दिया ये कहने का हक तुम्हें नहीं है स्टीफन, वो हक ईश्वर का है, सिर्फ ईश्वर का। अपने लिए मैंने कोई भी ख्वाहिश मन में नहीं रखी है फादर। रही बात रामदास जी के एहसानों की, वो उनके मौत के साथ ही खत्म हो गई। स्टीफन, पार्टी ने जो भी कहा उसे हम बिना संकोच मानते चले आए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। रामदास जी ने जो भी शुरू किया उसे किसी के भी हवाले करना हमें मंजूर नहीं। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हमारे दल को इस वक्त एक मार्गदर्शक की जरूरत है। नारायण भाई, हाँ। फादर, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं चर्च में आके मिलता हूँ। ठीक है, जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस। सब लोग खाना खाकर जाइएगा। आलोक, ये जो कुछ भी कहने आए हैं तुम सुनना। स्टीफन दादा को सोचने का वक्त दीजिए। पार्टी वाले चाहे जो भी फैसला करें, हम अपने रास्ते जाएंगे, वो अपने रास्ते। रात को इंजन का आवाज आया रहा साहब, वो कोई 15-20 लोग रहे। जी ट्रक और वो माटी उठाए वाला गाड़ी होता है ना, वो भी रहा। वो लोग के हाथ में तलवार, बंदूक, चाकू ये सब रहा। वो सब अलगे भाषा में बात करत रहे। वो बाहर के लोग रहे साहब। कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है बे तू? क्या चाहिए? चल निकल। इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने सील किया है, किसकी इजाजत से तुम लोग अंदर घुसा है? अरे बहरा है क्या?
चले गल भाग। तुमने वहां क्या देखा बताओ? स्टीफन, स्टीफन वो नहीं है जो हम समझते हैं। तो स्टीफन को रास्ते से हटाने के लिए यही काफी है वर्मा साहब। हेलो हेलो जॉनसन, जरा सर को देना। एक मिनट होल्ड करो सर, सुदर्शन है लाइन पे। हाँ सुदर्शन बोलो। हाँ सर, सर यहाँ कुछ भी नहीं है, कल रात की बारिश की वजह से कोई टायर के निशान भी नहीं है। एक राउंड और लगाऊं या फिर? नहीं नहीं तुम रुको सर, मैं सर से पूछता हूँ। वहाँ कुछ भी नहीं है सर, एक किलोमीटर तक वहाँ आसपास में कुछ भी नहीं मिला। बुलेट केसिंग वेपन्स? मेटल डिटेक्टर यूज किया था सर, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। फॉर्ड? मदन प्रकाश, क्या हुआ? सर पुलिस वाले क्या आपके लिए इतने गए गुजरे हो गए? यहाँ डेड बॉडी भी नहीं है, निशान भी नहीं है। गटर साफ करने वालों की खाकी अलग है सर, गनीमत है यहाँ कोई मीडिया वाले नहीं आए, वरना हमारी तो नाक कट जाती। ओए चलो यहाँ से, लेट्स वाइंड अप एंड गो। चलो जो भी करो, ये स्टीफन पकड़ में नहीं आ रहा है। कोई आइडिया है आपके पास? उसके बारे में अगर कोई कुछ जानता है तो वो है प्रिया। प्रिया उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। उस नफरत की वजह जान जाए और वो कौन है ये जान जाए, तभी कुछ कर सकेंगे। एक ब्रह्मास्त्र है, अगर और कुछ नहीं चला तो मैं वही चलाऊंगा। आलोक, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। माँ को मानसिक तनाव था, पिताजी के सियासती जीवन के उतार चढ़ाव, जेल जाना, इन सब का असर माँ पर पड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा पिताजी को लेकर माँ के मन में शक। She was always suspicious of him। माँ के विरोध को नजरअंदाज करके पिताजी स्टीफन को घर में लेकर आए। आपको किसने कहा था इसको यहाँ पर लेकर आने के लिए? ये जिसका है उसे ले जाकर वहीं छोड़ दीजिए, मेरे जीते जैसा नहीं हो सकता। बस एक छोटा सा सहारा देने के लिए ही तो कह रहा हूँ, वो भी तो प्रिया की तरह ही मासूम बच्चा है। इस पर जो खर्चा होगा उसका भी मैं इंतजाम कर लूंगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। स्टीफन एक साल तक हमारे घर में रहा। माँ उस वक्त पेट से थी, माँ के ना मानने पर भी स्टीफन को घर में रखा। यही गलती हो गई पिताजी से और उसकी सजा भुगत रहे थे
मैं और माँ। मेरे आंसुओं को और मेरे बच्चों के आंसुओं को देख यहाँ किसी का मन नहीं पिघलेगा। मन पिघलना है तो लोगों को रोना होगा, नहीं तो बच्चलन औरतों को बच्चा पैदा करने के लिए खोल के जो रखा है ना, अबलाओं का सेवा घर आश्रय, वहाँ के लावारिस बच्चे, उन्हें रोना होगा। कौन है, कहाँ से है, किसका है, कुछ भी मत पूछो, कुछ भी मत बोलो। तुम खाओ बेटे। हर रोज माँ का रोना सुनने के बाद ही मैं सोया करती थी। जतिन को मेरे हाथों में सौंप कर माँ चल बसी। ठीक माँ के अंतिम संस्कार के वक्त पिताजी आ गए। बहुत रो रहे थे। उस दिन भी मुझे पास बुलाकर उनका पहला सवाल, स्टीफन कहाँ है प्रिया? तो मैंने पिताजी से कहा, स्टीफन जब तक इस घर में रहेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आखिर में 8 साल की लड़की की जिद के सामने पी के रामदास को हार माननी पड़ी और स्टीफन को कहीं और लेकर गए। रैशनली इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट आई जस्ट हेट हिम। मां की मौत उसकी वजह से हुई, यही मैं आज तक समझती हूं। पीपल नेवर डाई, दे लिव ऑन थ्रू देयर चिल्ड्रन। हर एक दिन बीतने पर मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी मां की ही बेटी हूं। वही सेंटिमेंटालिटी, वही मैडनेस। तुम्हें जाना है लेकिन कहाँ? आपने अभी तक जो भी किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, पर अब और नहीं रुक सकती, जाना है। इस बच्चे को लेकर तुम कहाँ जाओगी? तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। नहीं दादा, मुझे जाना है। तुम्हारी मर्जी, इन्हें रख लो। आलोक, दादा ये जहां कहे इसे छोड़ के आना। जी। पार्वती और गणपति, अपर्णा और विनायक, किसी की भी पनाह तुम्हें मिले या ना मिले, ये तुम्हारे साथ और तुम इसके साथ हमेशा होने चाहिए। खुश रहो। ऐसा करूंगी तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा साहब जी को। समझो ये सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। आपने इस बात का खुलासा पहले क्यों नहीं किया? किस वजह से आपने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने से पहले एनपीटीवी को बताया? स्टीफन थॉमस यहाँ के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं। इसीलिए पुलिस में जाने से पहले मैंने ये बात चैनल में बोलने का फैसला किया। Are you sure about this? Who cares? मैंने असौदी में काम करने वाला हमारा पड़ोसी ही मेरे बच्चे का बाप है, यही मैंने गांव वालों को बताया। लेकिन सच वो नहीं है, ये स्टीफन थॉमस का बेटा है। आश्रय में ही मैंने इसे जन्म दिया। स्टीफन बरसों से मेरा शोषण करता आया है। दुनिया की नजरों से दूर आश्रय की आड़ में इस तरह के बहुत से काम वहाँ चल रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। इसका मतलब है कि आपके मुताबिक ये कोई पहला हादसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने अब जो हिम्मत दिखाई है उससे क्या आपको लगता है कि स्टीफन जैसे खतरनाक क्रिमिनल के खिलाफ आवाज उठाने की और लड़कियों को भी प्रेरणा मिलेगी? तेरे मुंह में कीड़े पड़े कलमुई। और 17 ईयर ओल्ड लड़की के ऐसे तो क्या खर्चे हो सकते हैं जानवी? इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए तुमने? मम्मा प्लीज जस्ट स्टॉप शाउटिंग एट मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या बात है, माँ और बेटी के बीच फिर कोई झगड़ा हुआ? लाडली बेटी को बाप ने जो क्रेडिट कार्ड दिया है उसका स्टेटमेंट आया है, 2,50,000 रुपए उड़ाए इसने। बॉबी मैं इस प्रिया,
प्रिया, मैं इससे बात करता हूं, तुम लिविंग रूम में जा एंड स्विच ऑन NPTV, उसमें तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। क्या है? जस्ट गो, आई विल टॉक टू हर। बॉबी प्लीज मत बिगाड़ो इसे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, उल्टी सीधी चीजें चढ़ा के मां से बहस नहीं करनी चाहिए। जब होश में नहीं रहती हो, कीप अ लो प्रोफाइल, अंडरस्टूड? ठीक से कब मिलेंगे? You promised. Bobby, no. By the way, you should watch your diet. Love handles आ रहे हैं। नेता स्टीफन थॉमस पर यौन शोषण का आरोप लगाया उन्हीं के आश्रम में रहने वाली एक निवासी ने। NPTV के न्यूज रूम में उस पीड़ित लड़की ने अपने बच्चे के साथ आकर यह दावा किया है कि वो बच्चा स्टीफन का ही है। उस लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार स्टीफन ने उसका यौन शोषण किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रय के नाम से जो आश्रम स्टीफन चला रहे हैं उसमें और भी कई गलत काम होते हैं। ऐसे और भी कई दावों का खुलासा किया। आक्रोश बना हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते सर। बच्चों को बाहर मत जाने देना, कोई कुछ नहीं करेगा। पुलिस आएगी, मैं उनके साथ जाने वाला हूं। कानून को अपना काम करने दो। इसकी जरूरत है क्या सर? मैं तो साथ चल ही रहा हूं। सर, IPC 376 सिर्फ वो ही नहीं, पॉक्सो एक्ट 4 और 5 भी है। अकड़ी पे अकेले जाना होगा। चलिए चलते हैं। Thank you.
हेलो भाईजान, कुछ करना है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ मत करना। बस एक इशारा भाईजान, बस एक इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज जीत। इसकी क्या जरूरत है दादा, एक बार आ गई है, सुबह होने से पहले आप बाहर होंगे। नहीं, मैं खुद ब खुद यहां नहीं आया हूं, ना ही खुद ब खुद यहां से बाहर जाऊंगा। बराबस को रिहा करने के लिए देवपुत्र को आना ही पड़ेगा, पता है ना? आने दो, देवपुत्र को आने दो। शुरू करो। युवराज आया। आज तुम्हारा दिन है बेटा, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, IUF की नई पीढ़ी का नया जोश है। युवराज आया। वेलकम होम जतिन, हमारे पास वक्त बहुत कम है, एक ग्रूमिंग और मेकओवर की जरूरत है। मैंने एक पीआर टीम को असेंबल किया है, दे आर रेडी टू स्टार्ट व्हेन यू आर। दीदी आपने इंसिस्ट किया सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आया। ये सब ड्रामा करूं, इतना एहसान पीके रामदास या IUF का मुझ पर नहीं है। एंड यू नो दैट वन ईयर मैं इनका साथ दूंगा, एंड इफ इट स्टिल डजंट वर्क फॉर मी I leave. Okay. Where is Janvi? एग्जाम सर पर है ना, इस घर में लोगों के शोर शराबे की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिर से हॉस्टल चली गई। तुम्हारे रूम की साफ सफाई हो चुकी है? No, not here. मैंने एक विला हायर किया है at my own expense. I'll be staying there. स्टीफन, तुमने मुझे पहचाना? रामदास साहब के साम्राज्य में उनके खिलाफ उठी सबसे मजबूत इनकलाबी आवाज, साथ देने वाले दगा देने पर तुल गए, तब पनाह दी थी अपने सियासती दुश्मन ने। मैं भूल सकता हूं भला रामदास साहब के उस पसंदीदा सियासती दुश्मन को, कॉमरेड रामपाल किशन को? भवानी भाभी वो तो चली गई आपस में लड़के चैन लूटने वाले दो बच्चों के कारण, और अब देखो अपने ही घर के कागजात में हेरा फेरी का झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल में डाल दिया। इससे बढ़कर और क्या बुरे दिन होंगे एक कॉमरेड के लिए। सब जगह बच्चे ही परेशानी की जड़ हैं। पांडव हो तो वनवास जाओ, कौरव हो तो आंखों पे पट्टी बांध के चलो। अब सुना है PKR का बेटा लौट आया है, वो दुर्योधन है या युधिष्ठिर, कौन जाने। आखिर कब तोड़ोगे तुम ये गुलामी की जंजीर दोस्तों? आने वाली पीढ़ी तो कम से कम चैन की सांस ले।
एक बात तुम्हें याद है स्टीफन, रामदास के खिलाफ नारे लगाने की सजा के तौर पे जब भी मैं आश्रम में आता था वो मुझसे ये गाना गवाते थे। कौन सा गाना? चाहे कोई भी गाए, गाने वाले का खुद का कहलाने वाला गाना, यारों का भी गाना, कॉमरेड का भी गाना। आजकल IUF वाले भी भूल गए हैं वो गाना। यहाँ गांधी जी तक को IUF वाले भूल गए, अब ये आंदोलन का इंकलाबी गाना कौन याद रखेगा? गाओ ना कॉमरेड वो गाना, हम भी तो सुने। आओ आओ साथियों, नई क्रांति लाए हम, मिलके आसमां पे सूरज एक नया उगाएंगे। आसमान पे सूरज नया उगाए हम, आओ आओ साथियों साथियों, आओ आओ साथियों साथियों, एक दूसरे का बोझ मिलके आ उठाए हम, प्रगति कर राह पे देश को बढ़ाए हम, आओ आओ साथियों साथियों, आओ आओ साथियों साथियों। What's with your hair and glasses? You look like you're on for a stand-up comedy act. This is the world's biggest comedy, babe. It's called the Indian politics. अरे बचपन में मैं ही उसे स्कूल ले जाता था। मुझे देखते ही वो कांपने लगता था। वो सब आ गए। आ गए? चलिए, चलो चलो। Jatin, all the best. हम लोग यहीं कंट्रोल रूम में रहेंगे, right here beneath the stage. Priya, she'll be watching it live from home.
शान से चल के आ रहा है ना। नमस्कार। नमस्कार जतिन, नमस्कार। 150 साल पुरानी बढ़िया बढ़िया परंपरा पालने वाली एक पार्टी को मार्गदर्शन देने का सौभाग्य मिला, इसलिए सर्वेश्वर का और उससे ज्यादा IUF के हर एक नेतागण का और कार्यकर्ता का मैं आभारी हूँ। अरे ये क्या, ये तो हिंदी भी नहीं बोल पाता भाई। तो क्या हुआ, हमारे हाई कमांड में जो है वो सब हिंदी अंग्रेजी सीखकर थोड़ी नेता बने। चुपचाप देखना। मुझ पर विश्वास करने वाले आप सभी के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। आईपैड क्यों बंद कर दिया? What's he doing? Well, that was my prepared speech. ये क्या? मेरी हिंदी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, है ना? जैसे ही मैं यहाँ लैंड हुआ, मेरी पहली मुलाकात यहाँ की एक फेमस इमेज मैनेजमेंट ग्रुप से हुई। उन्होंने धोती पहनाना सिखाया मुझे, हिंदी बोलना भी सिखाया मुझे। डैड से सिमिलैरिटी होने के लिए मेरे चेहरे पर बदलाव ले आए वो लोग। पके हुए ये बाल, एटलीस्ट सम ऑफ यू मे हैव रियलाइज्ड, मेकअप है। ये चश्मा, आई डोंट रियली नीड इट। बॉबी, धोती पहनना जाने बगैर, हिंदी में बात करना जाने बगैर, पीके रामदास का बेटा जतिन रामदास आप लोगों के सामने खड़ा थोड़ी होगा। मुझे धोती पहननी भी आती है और विरोधियों की धोती उतारनी भी आती है। मुझे हिंदी बोलना भी आता है और जरूरत पड़ने पर दो चार गाली देना भी आता है। लेकिन IUF के नेता बनने का मैं काबिल हूं, मैं उस लायक बन गया हूं, ये मुझे यकीनन साबित करना होगा। इसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूंगा, डैड के जरिए IUF ने आज तक जो भी नाम कमाया है उसमें छोटा सा ही सही मेरा भी योगदान है। वो क्या है पूछिए, गर्ल्स पूछिए, ये ऐसा वक्त है जब आप लोगों की आवाज गूंजनी चाहिए। गो ऑन, आस्क मी व्हाई। व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ बिना माँ के पलने वाला एक बच्चा होने के नाते, बोर्डिंग स्कूल और विदेश में तड़ी पार किया गया एक बच्चा होने के नाते, हमेशा अकेलापन महसूस करने वाला एक बच्चा होने के नाते, अपने बाप से मिलने के लिए जिद करने का और उनकी गोद में खेलने का मेरा हक बनता था, लेकिन वो मैंने त्याग दिया। इस राज की, इस पार्टी की और आप लोगों की सेवा करने के लिए पीके रामदास को जो कीमत चुकानी पड़ी वो उनके बेटे का मासूम बचपन था और मैंने वो दे दिया। मैं आप लोगों को किसी और से मिलाना चाहता हूं। अब तक शादी नहीं की इसलिए उसे पत्नी नहीं कह सकता, लेकिन हर मायने में वो मेरी जीवन साथी है।
मीट जैकलिन। जैकी, क्या? से हेलो। गोरी मैम सुपर है। लेकिन गोरी मैम से भी ज्यादा हमारा भाई गोरा है। हाँ यही तो आई है। So that's it. जो IUF के साथ हैं और जो खिलाफ है, उन सभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में जतिन रामदास भी लड़ेगा, पीके रामदास का बेटा बनके नहीं, इस स्टेट के सभी परिवारों का बेटा बनके, सभी भाई बहनों का भाई बनके और सभी यारों का यार बनके मैं यही रहूंगा। हम जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। जय हिंद। जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो गया। रोड़ा बनने के लिए अब स्टीफन भी नहीं है। अब हमें जरूरत है पैसों की। तुमने जो प्रॉमिस किया था वो फंड। वर्मा साहब, जतिन रामदास आएगा कहा था मैंने, जतिन रामदास आ गया। फंड आएगा कहा था मैंने, फंड भी आएगा।
फर्ज की तरह लड़, एक और एक। तेरे बारे में बहुत सुना है, दिखा क्या उखाड़ सकता है। अमर, मार, मार के दिखा, मार। All clear. निगेबान भाईजान, निगेबान सईद, लेट्स गो। पिकअप बॉबी, पिकअप। Abdul, Bobby, listen. We were attacked, and it was Saeed, Saeed Masood. Who? Saeed Masood. He leads the most powerful mercenary hit group of Asia. उन्होंने ही हमारे consignments को target किया. They took out all three. पर किसके लिए किया ये नहीं पता. And the cargo? Gone. And they have a strange demand. And you won't believe it. 7 days. 7 days के अंदर Stephen Thomas को जेल से रिहा करवाना होगा. Stephen को जेल से? Why? For? What? Bobby, हम जायद मसूद के ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी डिमांड नहीं मानी तो ना सिर्फ आगे की फंडिंग बंद हो जाएगी, बल्कि अभी जो पैसे खो दिए वो सूद समेत फेरों को तुम्हें लौटाने होंगे। And remember, you have only 7 days to release Stephen. 7 days. Bobby, what happened? Give me one good reason not to kill you. Fedor, I can fix this. I will fix this. तुम्हारी मर्जी से किसी को गिरफ्तार करना, पार्टी से बर्खास्त करना, फिर उसे शामिल करना, तुमने समझ क्या रखा है यार? माना आईओएफ को पैसों की जरूरत है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा फेंका हुआ कचरा उठाने वाली म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी है ये पार्टी। मेरे साथ रह सकता है तो रह, नहीं तो सबसे पहले तुझे नीचे धकेल के तेरे ऊपर ही मैं गिरूंगा, समझ गया ना वर्मा? तुझे कैसे पता कि मैं यहां हूं? दुनिया वालों का इलाज तुम्हारे अस्पताल में और तुम्हारा इलाज यहाँ आयुर्वेद में होता है, मैं ये नहीं जानता क्या? हाँ, खिंचाई बंद कर मुद्दे पे आ। गुरु, राजनीति में हाथी जब मस्त हो जाता है तो उसे मीठा खिलाते हैं क्या? क्या? या तो हाथी को महावत की सुननी होगी या उसके मस्तक पे मार के गिरा दिया जाए, यही तो सही तरीका है ना? स्टीफन के बारे में बोल रहे हो? हाँ, वो ना हमारे काबू में रहेगा और ना ही तुम्हें मिलेगा। बेकार में पहाड़ी इलाके से एक और क्रिश्चियन सहयोगी पार्टी को क्यों पाले? तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह से समझ गया वर्मा। वैसे मेरे लड़के हैं वहाँ सेंट्रल जेल में, लेकिन अगर जेल में ये काम किया तो कम से कम उम्र कैद है, इसलिए रकम बहुत बड़ी होगी। एक पुल इस तरफ और उस तरफ दोनों के लिए होता है, ये पुल भी उसी तरह चलेगा। निपटा दो। सुपारी पार्टी की तरफ से मिली या भास्कर राय की तरफ से? स्टीफन भाई, तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया है, उससे टाल नहीं सकते ना हम लोग। खून करने का ऑर्डर है, बोलो क्या करें? खून करने का हुक्म है तो खून करना चाहिए। हाँ,
सर, वो मंगल और उसके आदमी स्टीफन को कारपेंटर रूम के अंदर। तो फिर वो शटर को बाहर से बंद कर दो। सर बंद कर दो। चाइनीज मार्शल आर्ट्स में हर एक वार की गिनती होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मार्शल आर्ट्स में वार की गिनती नहीं, गहराई की अहमियत है। भास्कर राय से बोल देना, स्टीफन से डरने की जरूरत नहीं, अब मैं राजनीति में नहीं हूँ। स्टीफन, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। IUF और हम सब ने तुम्हारे साथ दगा किया है। मॉबी ने हम सबको बहका दिया था। अब राम भाई का बेटा आ गया है और उसे पब्लिक सपोर्ट भी है। यकीन करो, तुम्हें पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पता चला यहां क्या क्या हुआ, वो भास्कर राय की करतूत, लेकिन तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। स्टीफन, तुम बस मॉबी से चौकन्ना रहना, वो सांप है, जहरीला सांप। तुम्हें सीधे रास्ते से आने जाने की आदत है, मगर मॉबी जैसे आदमी को सीधे तरीके से नहीं मार सकते। फिर कैसे मारे वर्मा साहब? बताता हूं। बचपन में
एक रेल की पटरी के एक तरफ मेरा घर हुआ करता था और दूसरी तरफ मेरी स्कूल। साथ पढ़ने वाला तहसीलदार का बेटा नासूर था। परेशान होकर मैंने उसे एक दिन पीट डाला। बड़ा हंगामा हो गया। स्कूल वालों ने पिताजी को बुलवाया। वो ठहरे छोटे मोटे बनिया किस्म के आदमी। ब्याज का धंधा, जमीन की लेन देन और दारू की भट्टी भी चलाते थे, जो तहसीलदार के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था। मामला एक हद तक ठंडा करके हम दोनों पटरी के पास से घर लौट रहे थे। मुझे चुपचाप मायूस चलता देख पिताजी ने कहा, बेटा महेश, हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है बेटा। अब देखो, वहां से रेलगाड़ी आ रही है। मान लो कि तुम तहसीलदार के बेटे के साथ चले जा रहे हो। उसने बहुत परेशान किया है तुम्हें और उससे बहुत नाराजगी है तुम्हें। वो कमीना नार है, ऐसी ख्वाहिश है तुम्हारे मन में, तो हवा खाते हुए चलते जाओ। दूर से रेलगाड़ी आती होगी, तुम उसके साथ हंसी मजाक करते हुए मस्ती से चलते जाओ। जैसे ही रेलगाड़ी पास आए, उसे हल्के से कोहनी मारो और धक्का दे दो। खेल खत्म। हम पे कोई शक नहीं करेगा और रेलगाड़ी अपना काम करके चली जाएगी। राजनीति में आज भी मैं पालन करता हूँ पिताजी के उपदेश का। अगर तुम मेरा साथ दोगे ना स्टीफन, बॉबी को मैं उसी तरह ठिकाने लगा दूंगा। आपका मशवरा तो अच्छा है वर्मा साहब, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपका बाप नहीं है, मेरा बाप। तो कौन है तुम्हारा बाप? वैसे वो पी के रामदास ही है ऐसा सुना। जाओ। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, जो भी है साफ साफ बता दो। जी, तब उन्होंने वैसा करने के लिए कहा, हमने किया। अब ऐसा करने को कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। जो भी करेंगे फायदा हमारा ही है। लेकिन अगर अब मैंने बात पलटी तो क्या वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ेंगे? तुम खाम खा डर रही हो अपर्णा। कोची जाकर ये काम हो जाए, उसी रात की फ्लाइट से तुम्हें और बच्चे को मैं दुबई भेज दूंगा। वहाँ तुम्हारे लिए नौकरी, रहने का इंतजाम और 10,000 दिरहम महीने की सैलरी, बस ना। फिर भी दुबई तक मेरा और बच्चे का अकेले जाना। अरे मैं भी वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा ना, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो। वहाँ जो कुछ भी तुम्हें बोलना है मैं लिख कर देता हूँ। उस दिन की तरह अच्छे से रटकर बोल देना, ठीक है? तो मैं निकल रहा हूँ, गाड़ी भेज दूंगा। आलोक, एक बार बच्चे को नहीं देखोगे? आज तो मुझे बहुत से काम करने बाकी हैं, फिर कभी आकर देख लूंगा। इसके रूममेट ने बताया कि हॉस्टल रूम के बाथरूम में ये बेहोश पड़ी हुई थी। जान भी है, पता चलते ही यहाँ ले आई। और हाई प्रोफाइल केस ने इवडी आना लगा। एलएसडी अंदर ड्रग आना। टेस्ट रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। बीच में जब होश आया तो जानवी ने खुद बताया। Quarter stamp of acid in But I'm sure it's more than that. Apparently she's been using this regularly for a while. Anyway, she's back to her senses. This way, please, ma'am. IV continue ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുവെന്തോ? ഇതൊന്നും ഇപ്പം അത്ര റെയർ അല്ല. Not just LSD. Weed, cocaine, MDMA, heroin, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഡിസൈനർ ഡ്രഗ്സ്. That's a room, ma'am. Please come. മേ ഉസ്സേ അക്കേലേ മേ ബാത് കർനാ ചാഹതി ഹൂൻ. ഷുവർ. सुबह जब मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाई तब हॉस्टल वार्डन पैनिक हो गई और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैम। ये तुम्हें कहां से मिल रहा है? पहली बार नहीं हुआ है, उसी से जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? इस तरह पकड़े जाने पर जब खुद के पास कोई जवाब ना हो तब माँ और बाप पर इल्जाम नहीं लगाया करते। माँ और बाप। You know what happens to me in that house?
वहां मैं क्या भुगत रही हूँ कोई अंदाजा है तुम्हें? बॉबी, योर बॉबी, he treats me like a sex toy. What? जानवी, कुछ भी बोलोगी तुम? बॉबी तक तुम्हारी सगी बेटी से ज्यादा, लेकिन मैं अभी कोई बच्ची नहीं रही। जब कोई मुझे छूता है तो उसके मन में क्या है वो समझने की मैच्योरिटी है मुझ में? Help me, ma. Help me out of this. और मेरा कोई नहीं है। कहती हैं तो किस तरह की धमकी बताइए अपर्णा? अगर स्टीफन थॉमस का नाम नहीं लिया तो मुझे और मेरे बच्चे को मार देने की धमकी दी थी। मेरे बच्चे का बाप स्टीफन थॉमस नहीं है। स्टीफन तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हैं। स्टीफन भाई साहब से और आश्रय में रहने वाले सभी से मैं माफी मांगती हूँ। शरद, आस्क हर, किसने उसे धमकी दी थी? आई नीड अ नेम, पूछो। रहने वाले स्टीफन भाई साहब ही थे। मतलब बिना किसी जुर्म के स्टीफन थॉमस जेल की सजा भुगत रहे हैं, यही कहना चाहती हैं? स्टीफन भाई साहब तो देवता हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें जेल से बाहर छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा काम तो पिंपिंग है संजीव। I'm gonna burn each one of these awards and citations. हमारे कितने सपने थे इस चैनल को लेकर, and look at you. पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस से मीडिया को कैसे बचाना है, इस टॉपिक में पीएचडी करने वाले डॉक्टर संजीव कुमार, सीईओ एनपीटीवी। अरुंधति, पिछले 15 सालों से हम एक साथ रह रहे हैं। इन 15 सालों में हमारा स्टेट जिस तरह से बदला है उस तरह से कोई स्टेट नहीं बदला। Times have changed, so have we. 45 crores की NPTV की आज की liability है। जो पैसे देता है उसके तलवे चाटने के अलावा इस देश की मीडिया कुछ नहीं कर सकती। Idealism, my darling, is dead. तुम सोई नहीं? सॉरी प्रिया, अब तक तुम सारी बात जान गई होगी ना। स्टीफन जेल से छूट जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? जानवी, जानवी के एग्जाम्स कब खत्म होने वाले हैं? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। I tried to help her, but everything I said just for मेरी बच्ची को छूगा तू? मेरी बेटी को? तुझ पर विश्वास किया मैंने। I trusted you. मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को छूगा तू? छूगा। छूगा? You know, जानवी मेरी बेटी नहीं है, तेरी बेटी है। So frankly, I don't see a
moral issue here. You're welcome to do what you can. अपने छोटे भाई से बोलेगी, बोल, या अपने वर्मा अंकल से बोलेगी, या फिर जाके पुलिस को बोलना है, बोल। लेकिन उससे पहले प्रिया, तेरी बेटी इस शहर के कितने ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में है, ये भी तो सबको बोलना पड़ेगा। उसने उनके साथ जो बात की और जो ड्रग्स खरीदे उनके रिकॉर्ड्स मेरे पास है, सिर्फ वही काफी है उसे नारकोटिक्स केस में अंदर करने के लिए। She turned 18 last week, right? So कम से कम 6 साल वो जेल जाएगी, poor thing. So if you ask me, हम आज यहीं पर इसे भूल जाए तो बेहतर होगा। ऐसा ना करके अगर इसे लेकर समस्या खड़ा करने का तुम्हारा प्लान है तो जयदेव और पी के रामदास को जिस तरह मैंने रास्ते से हटाया वैसे ही तुझे और तेरी बेटी को कैसे हटाना है वो भी मैं जानता हूं। बच्चे हमेशा मेरी बातों के मुताबिक चलें। ऐसी जिद मैंने कभी नहीं की। जब तुमने जयदेव से शादी करने का फैसला किया तब मैंने मना नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद था, इसलिए कि वो तुम्हें पसंद था। लेकिन क्या होगा? सब लोग हैं ना, रोजी, फूलमती मौसी और दीदी लोग, और अगर गया भी तो सबके लिए जन्मदिन पर, क्रिसमस पे, दिवाली पे सबके लिए तोहफे भेजूंगा। दादा, चुनाव में आपके बदले मैंने इसलिए खड़ा होना कबूल किया क्योंकि यहाँ आपकी शुरू की गई बहुत सारी योजनाएं हैं, वो सब रुकनी नहीं चाहिए ना। आपकी गैर मौजूदगी में वर्मा और दूसरे लोगों ने मिलकर अपने कुछ लोगों के जरिए यहाँ नलमपल्ली का काम काज हड़पना चाहा। अब ये सब हम उनके हवाले कैसे कर सकते हैं दादा? दादा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो खुश रहो। तो मैं जरा पार्टी ऑफिस होकर आता हूं। बच्चा ठीक तो है ना? जी जी दादा। अपर्णा का बच्चा अच्छा तो है ना? हाँ, अच्छा है। चलो अच्छा है, जाओ। स्टीफन, मैं। हाँ प्रिया। मुझे तुमसे मिलना है। रामदास साहब ने मुझे बताया था कि कभी ना कभी ऐसी एक मुलाकात जरूर होगी और इस मुलाकात के लिए यही सही जगह है, ये चर्च, ये सेमेटरी। हम दोनों के दिल में रामदास साहब के लिए एक ही जज्बात है, प्यार और इज्जत के। उनका परोसा खाना खाकर मैं बड़ा हुआ हूं। उनके एहसान के बदले मैं कुछ भी करूं वो कम है। आज मैं जो भी कहूंगा तुम सुनोगी, ये मैं जानता हूं। मेरा बाप जो बचपन में ही मर गया था, उस पर नक्सलाइट और नास्तिक की मोहर लगाकर यहां कब्रिस्तान में जरा सी भी जगह नहीं दी इस चर्च ने।
आखिर में उनकी लाश को कहीं और दफनाना पड़ा और देखते ही देखते चर्च खंडहर बन गया। 12 साल की उम्र में जब मां मरी तो रामदास साहब मेरे सामने प्रकट हुए एक मसीहा की तरह। मैं चाहता था कि हमारी इस मुलाकात का एक गवाह भी होना चाहिए, मेरी मां। क्या कहना चाहती हो? सारे कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है मैडम। सिटी के सारे ड्रग पेडलर्स के साथ जानवी कांटेक्ट में रही है। नहीं जी डरो नहीं, मैंने एफआईआर फाइल नहीं किया है। जैसा मिलना है वैसे मुझसे मिलेगा, मैं बुलाऊंगा। जब घंटी बजेगी तो बुलाऊंगा। ओए मदन तेरी तो चांदी है। अपनी सारी परेशानियां मुझे बता देना, अब जाओ, मैं सब देख लूंगा। अब मैं लौट के नहीं आऊंगा फादर, शायद फिर कभी मिलेंगे भी नहीं। मैं एक ऐसा सवाल करूं जो मैंने तुमसे पहले कभी नहीं किया, तो जवाब दोगे? 15 साल की उम्र में यहां से जाने के बाद लौटने तक 26 साल तुम कहां थे? ये सामने जो यीशु मसीह है, इन्होंने गलीलिया से जाने के बाद बाकी के 18 साल कहां गुजारे थे? उन्हीं के लिए पूरा जीवन त्यागने वाले आपने कभी पूछने की कोशिश की? जब वो जवाब देंगे तब मैं भी जवाब दूंगा। अब अगर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूं जो मैंने पहले कभी नहीं पूछा था फादर, तो आप जवाब देंगे? पीके रामदास उर्फ पीके आर क्या मेरे पिता हैं? तुम चर्च में जाके अच्छे से प्रे करो स्टीफन। जाओ। रामदास, मुझसे मत छुपाओ, क्या वो तुम्हारा बेटा है? रहने दो, जवाब नहीं चाहिए। जवाब मत दीजिए। माय सन, आप अगर लौटने का इरादा नहीं है तो यहां कन्फेशन करके मन का शुद्धिकरण करके जाओ। कन्फेशन तो किए हुए पाप के लिए होता है ना फादर, जो करने जा रहे हैं उसके लिए तो नहीं ना। गॉड ब्लेस एंड प्रेज द लॉर्ड। Always God bless you, my child. हाय रब्बा, जिस गाल को मेरे हाथ छूने चाहिए उस पर। ओए क्या होंठ है सर जी। हाँ? ये एरिया इतना ठीक नहीं है, जरा संभालिएगा। क्यों, बिना आवाज के करने के लिए कह रहे हो? चल बे,
हाय सर जी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं हॉर्न बजाऊंगा। ओए छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं। तू खाना खा गया? अच्छा। और आराम से आना। मुन्नी बदनाम होगी आज मेरे लिए। कितने दिनों की तमन्ना है गौमती, एपिसोड्स बार बार चला के देखता हूँ। लाइट ऑन ही रहने दो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आए, इंतजार की कड़ी अब खत्म। कबाब में हड्डी, मैं देख के आता हूँ जानू। यूं गया यूं आया। साहब के परिवार के साथ खिलवाड़ किया, वो मैं नहीं सह सकता। बेटा मदन प्रकाश, मैं हेड नहीं हूं, हेड कार्ड डालता हूं। किया है वो फंड्स नहीं मिले तो मैक्सिमम एक महीना, अदरवाइज वी विल हैव टू शट शॉप। मुझे लगता है यही सही रहेगा, कम से कम इस फ्रस्ट्रेशन से तो बच सकते हैं। कहना आसान है। स्टीफन, व्हाट द हेल। हाँ, सच बोलना जिनका उसूल होना चाहिए वो सिर्फ झूठ के सहारे जीवन बिता रहा है। What the hell? Stephen, we owe you an apology. अपर्णा के confessions को genuine समझ। राजनीति और मीडिया एक ही हड्डी के टुकड़े को दोनों तरफ से चूसने वाले दो भेड़िए हैं। कुछ दिनों के लिए उस हड्डी के टुकड़े का नाम था स्टीफन थॉमस। इट्स ऑल राइट। NPTV का एक फंडिंग इशू है ये मैं जानता हूं। बिमल नायर जिसने फंड देने का वादा किया था वो मुकर गया। तुम्हारा कर्जा मैं अभी चुका दूंगा, लेकिन आज के बाद प्रियदर्शनी रामदास जो कहेगी वही होनी चाहिए, तुम्हारी एडिटोरियल पॉलिसी। एंड योर फर्स्ट असाइनमेंट विल बी द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शाम 5 बजे प्रेस क्लब में। जतिन रामदास और प्रियदर्शनी रामदास एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। स्टीफन, NPTV के फंडिंग इश्यूज जैसे आप समझते हैं, You have a message. 45 crores? Happy? और ये डील NPTV के CEO डॉक्टर संजीव और चीफ एडिटर अरुंधति संजीव और मैग्ना ग्रुप के चंडी के साथ नहीं है, मेरे साथ है। This deal is with the devil. स्टीफन, शर्ट पे खून का दाग,
किसान हो ना मैडम, कुछ घर उखाड़ रहा था। हेलो जतिन, तुम्हारी गाड़ी में एक बॉक्स है, उसमें जो भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं वो तुम्हारे लिए है। दीदी, हेलो, यकीन करो, स्टीफन एक्टिव पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ चुका है। पूरा IUF मेरी मुट्ठी में। जतिन रामदास, PKR सन इज माय पपेट। आई प्रॉमिस यू, तुमने जो पैसा खोया है वो सूद समेत मैं लौटा दूंगा। वी आर ऑन, जस्ट मूव द फंड्स अफ्रेश। हाँ बोलो। वन मिनट बॉबी। इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मैंने NIA और एंटी नार्कोटिक स्क्वाड के हवाले कर दिया है। इंडियन पीनल कोड चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में शामिल 84 सेक्शन के हर एक सिंगल सेक्शन के मुताबिक बिमल नायर एक अपराधी है। ड्रग पेडलिंग की बात कहूं तो NDPS एक्ट के इतिहास में ही ये शख्स एक क्लासिक ऑफेंडर है। वो लैंड डील्स जिसमें दीदी का नाम है भले उनकी जानकारी के बगैर है, फिर भी उनके सिग्नेचर के जरिए उन्हें फंसाए गए इलीगल डील्स की निष्पक्षता से इंक्वायरी होगी, ये मैं वादा करता हूँ। इस गलती की जो भी सजा होगी उसे मैं और मेरा परिवार स्वीकार करेंगे। मिस्टर विमल नायर इज एन एंटी नेशनल क्रिमिनल। हेलो, तूने सोचा मुझे दगा देकर तू वहां राज करेगा? अगर मैं तुझे बुलाना जानता तो तुझे खत्म करना भी जानता। तुझे किसने कहा कि तेरे बुलाने पर मैं आया हूं? मैं आया हूं अपने भाई के कहने पर। अब्दुल, जस्ट गेट मी टू मालदीव्स। एक चॉपर, स्पीड लॉन्च, एनीथिंग। वहां से आई फाइंड माय वे टू दुबई। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, इस बीच मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने कहा था ना बॉबी, अच्छी तरह सोच समझ कर ये खेल शुरू करना। अब यहां से जाने के लिए तुम्हें फेडोर की मंजूरी चाहिए। एंड ही विल बी बैक टुनाइट। वर्मा जी, इन फाइलों में जहां जहां बिमल नायर का नाम है वहां वहां महेश वर्मा का नाम भी मौजूद है। फिर भी मैंने इसका खुलासा क्यों नहीं किया जानते हैं? आपके 40 साल के सियासती तजुर्बे की मुझे जरूरत है। आज से मेरा कहा मानकर अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ रहेंगे तो इन फाइलों की ओरिजिनल कॉपीज दुनिया के सामने आए बिना मेरे लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा। अच्छा, वैसे एक बात कहना तो मैं भूल गया। पुरानी वो रेल की पटरी, घर, स्कूल, सामने आने वाली रेलगाड़ी, हल्के से कोनी मारना और धक्का। आपकी ये पुरानी फैमिली ट्रिक मुझ पर आजमाने का मन करे तो पहले से बताइएगा, ओके? स्टीफन थॉमस का बाप कौन है ये जो आपका शक है वो रहने दीजिए। मैं स्टीफन का ही भाई हूं। कल सुबह अरेस्ट वारंट के साथ NIA टीम मुंबई में लैंड करेगी। उससे पहले मुझे वो चाहिए, वो भी जिंदा। हो जाएगा भाई साहब। With me and walk away?
You should have known who you were dealing with. सामने मुझे क्या करना है? मार दो उसे। बॉबी, तूने कभी शैतान को बाइबल सुनाते देखा है? Ezekiel 25:17, Old Testament. बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है, क्योंकि वो वाकई अपने भाई बहनों का रक्षक और राह भटकी उन भेड़ों का मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए मेरे अपनों को जहर देकर मिटाने की कोशिश करने वाला चाहे कोई भी हो, मैं ज्वालामुखी की तरह उन पर फट पड़ूंगा। और मेरे बदले के लावा में जब वो जलेगा, तब उसे पता चलेगा कि मैं ही उनका राजा। एकमात्र राजा। और एनआरआई उद्योगपति बीमल नायर की मुंबई में संदेहजनक साचर्य में मृत्यु हो गई। वे 46 साल के थे। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मुंबई के धारावी इलाके में अंडरवर्ल्ड वालों के बीच हुए मुठभेड़ और गोलीबारी में बीमल नायर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ये भी बताया है कि अभी तक पता नहीं चला है कि बीमल नायर वहाँ क्यों और कैसे पहुँच गए। उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए अंधेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद जल्द से जल्द उनकी डेड बॉडी उनके रिश्तेदार, कभी कभी जो दाना पानी मिलता था वो भी चला गया। वैसे भी मैं पार्टी ऑफिस में सबके सब जासूस हैं, साला किसी का भरोसा नहीं कर सकते। हमें एक होना है मुकेश, वर्मा साहब को ही हम आगे लाएंगे। वर्मा साहब साथ होंगे तभी हम जतिन को हटा पाएंगे, और फिर जब बुड्ढा मरेगा उसके बाद हम दोनों ही रहेंगे पार्टी में। ये तो सही है, अब ऐसा कुछ करेंगे तभी तो हम टिक पाएंगे, पर उसके लिए रोकड़ा देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। पार्टी की फंडिंग के जुगाड़ में लगे बॉबी साहब भी ऊपर पहुंच गए। हाँ, एक आदमी है, मैं पूछ लेता हूँ। कौन है? हाँ सर, जिसकी बात की थी वो साथ में है। जी देता हूँ, लो। कौन है? तू सारी बात डिटेल में समझा दे। हेलो आलोक। स्टीफन दादा, आप कहाँ हैं दादा? आलोक, तुमने मेरे साथ एक गुनाह किया, उस गुनाह की मेरी किताब में सिर्फ एक ही सजा है।
मुकेश, इतने दिन से उस तरफ रह के धोखा देता रहा तो तुझे लगा नहीं कि इस तरफ भी ऐसा कोई होगा हिसाब बराबर करने वाला? आओ अंदर जाओ। मिलान, ए स्मॉल स्टेट इन इटली, वाज रूल्ड बाय अ ड्यूक नेम प्रोस्पेरो। ये तुम्हारे लिए है। मेरे बारे में जो समझ रखा है सब सही है। ये राज्य जिससे नहीं डरता था लेकिन डरना चाहिए था, वो जहरीला सांप किंग कोबरा मैं ही हूं। और आपने जितनी भी दूसरी खोज की है वो सब सही है। आपने अपने लिए जो मार्ग चुना है उस पर चलते रहिएगा। सत्य की खोज करने वालों की इस देश को जरूरत है। जब आप ये खत पढ़ेंगे तब बिना आपकी जानकारी के एक तोहफा आपका इंतजार कर रहा होगा मेरे आश्रय में। स्नेह सहित आपकी नफरत के काबिल आप ही का खोजा हुआ आपका अपना लूसिफर। लूसिफर, पश्चिम में स्थित इस छोटे से इलाके को किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के किसी मामूली लेखक ने पहली बार यह नाम दिया होगा यह मैं जान गया हूं। अब यहां के लोग भी यह मानने लगे हैं कि पुराने जमाने से यही इसका नाम था। लेकिन यह राज्य और यहां के लोग यह हकीकत नहीं जान रहे हैं कि इतने दिनों से इनकी रक्षा करने वाला कोई ईश्वर नहीं था और आगे भी इनकी रक्षा करने के लिए कोई ईश्वर नहीं आएगा। यह ईश्वर का अपना राज्य नहीं है, ये स्वर्ग से बाहर निकाली गई परी का राज्य है। मेरा अपना राज्य जहां मैं पैदा हुआ था, मेरा अपना राज्य, गोवर्धन की भाषा में कहा जाए तो लूसिफर का अपना राज्य। दे रहा रे अपने औकात मेरा, नहीं तो तेरा बेटा खोल दूंगा मैं। सियारा लियोनी से खोद के अंगोला को झाड़ू मार के वाया नैरोबी वाया मोगादिशु। अगर संगानी ये कंसाइनमेंट पोरबंदर लेकर आए तो मैं देखता हूँ कि कौन मादर इसको बिकने से रोक सकता है। तू कौन है पहले ये बता। संगानी की खिचड़ी में चम्मच डालने वाले कौन है तू? ओसामा का बेटा है, कबूगा है, दाऊद है, कौन है तू बोल? अब्राहम कुरैशी, अब्राहम, अब्राहम।